क्या टीम इंडिया में खेलेंगे रियान पराग और हर्षित राणा अपना पहला ओडीआई मैच? जी हां, मैच प्रीव्यू में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे मैच प्रीव्यू के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कल एक बहुत ही शानदार मैच हुआ, मुकाबला टाई के नतीजे में छूटा। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन बनाया और जवाब में भारत भी इतना ही रन बना पाई। वैसे देखा जाए तो एक समय लग रहा था कि भारत बिल्कुल करीब पहुंच गई है और आसानी के साथ मैच जीत सकती थी, लेकिन यही तो क्रिकेट है और इसीलिए क्रिकेट को कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ऐसे में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने बहुत ही कमाल किया और आखिरी के दो विकेट बिल्कुल दो गेंदों पे आए हैं बैक टू बैक। तो हम शुरुआत करेंगे कल होने वाले मैच पे। सबसे पहले टीम बैटल की बात करें तो हेड टू हेड अब तक 168 मुकाबलों में भारत 99 जीता है और श्रीलंका 57, यानी कि भारत को 100वीं जीत, शतक कह सकते हैं लगाने के लिए एक मैच ये कल जीतना होगा। अगर कल भारत मुकाबला जीतता है तो 100 मैच श्रीलंका के खिलाफ जीतने वाली ये पहली टीम बन जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम पिच और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो आर प्रेमदासा कोलंबो का ये मैदान, जहां की पिच आपने देखा कल स्पिनर को बहुत मदद कर रही थी, स्लो ट्रैक वाली ये विकेट जहां पे धीमी गति से गेंदबाजी हो रही थी और बैटिंग करना आसान नहीं था। श्रीलंका ने भी उनके बल्लेबाजों ने पहले घुटने मोड़ दिए थे, आप देखें तो उनको 101 पे 5 हो गए थे। ऐसे में लग रहा था कि शायद ये धीमी विकेट है और 230-240 रन एक अच्छा रन हो सकता है, लेकिन जवाब में भारत की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन मिडिल ओवर में श्रीलंका ने अच्छी गेंदबाजी की और मिडिल ओवर के दौरान बैटिंग जो रही भारत की उतनी अच्छी नहीं रही और इसी वजह से नतीजा टाई के ऊपर छूटा है। की प्लेयर कौन हो सकते हैं जी हाँ, यानी कि वो खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका दोनों मैचों दोनों टीमों में से अदा कर सकते हैं, मैं बात करना चाहूंगा रोहित शर्मा को। जी हाँ, बहुत अच्छा कल भी खेला उन्होंने, उम्मीद कल भी उनसे रहेगी। विराट कोहली कल एक छोटी पारी थी लेकिन उम्मीद करते हैं कल एक बड़ी पारी होगी। मोहम्मद सिराज जो गेंदबाज हैं, क्या वो कल खेलेंगे, तो उनका भी मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण रोल रहेगा शुरुआती दौर में जब वो गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो श्रीलंका की तरफ से की प्लेयर पदुम निशांका क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। T20 के जो फॉर्मेट में मैच खेला गया था 3, उसमें भी सब में रन बनाया था और वनडे में भी कल उन्होंने कमाल का अर्धशतक लगाया। कुशल मेंडिस पर भी रहेगी नजरें, लेकिन विला लगे इन्होंने तो कल बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग में सबसे अच्छा कमाल किया जो 67 रन बनाए, तो इनके ऊपर भी रहेगी नजर। साथ ही साथ वानिंदु हसरंगा, ये एक अच्छा ऑलराउंडर मिला है श्रीलंका को और मैं समझता हूं हर मैच में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और नए चेहरों की बात करो तो भारत की तरफ से रियान पराग, ऋषभ पंत और हर्षित राणा, इन तीन खिलाड़ियों में से मुझे लगता है कि दो नजर आएंगे कल के मैच में। वहीं अगर हम बात करें तो श्रीलंका की टीम की तरफ से महेश तीक्ष्णा एक अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं और अभी अभी शामिल किए गए हैं ईशान मलिंगा जो टीम के साथ जुड़े हैं, मुझे लग रहा है मोहम्मद सिराज की जगह। श्रीलंका में भी एक मोहम्मद सिराज है, आपको पता होगा दो नाम लेकिन दोनों अलग अलग से, तो शायद ईशान मलिंगा महेश तीक्ष्णा में से दो में एक जरूर नजर आ सकते हैं। स्टैट क्या कहते हैं, इस ग्राउंड के आंकड़े क्या कहते हैं, यह बड़ी दिलचस्प बात होती है। देखिए अब तक 165 मुकाबले खेले गए हैं, इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबला 89 बार जीता है, यानी कि जो विनिंग मार्जिन है पहले बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा एडवांटेज मिलता है। और एवरेज टोटल की बात करें फर्स्ट इनिंग में 231, ये चौंकाने वाला स्टैट्स है, डेटा है, आप कह सकते हैं आंकड़ा है, और 231 ही बना पाई थी कल श्रीलंका। सेकेंड पारी में हम बात करें औसत स्कोर है 190, तो दोनों के बीच अगर हम अगर कैलकुलेशन करें तो अराउंड 220 के करीब जाता है, तो इस विकेट पर 240 और 250 एक अच्छा स्कोर हो सकता है इस स्लो ट्रैक पर। अब देखने वाली बात होगी कि भारत जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में ओडीआई में दूसरे नंबर पे है और अच्छी टीम स्ट्रेंथ है, वहीं श्रीलंका भी कल के मैच में थोड़ा सा मोमेंटम मिला होगा उनको, जीत भले ही ना मिली हो लेकिन एक एज मिलता है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला है उनकी टीम को भारत के खिलाफ। एक अच्छा मैच होगा लेकिन थोड़ा सा जो विनिंग मार्जिन होगा वो इंडिया की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है,
कैसी लगी दोस्तों वीडियो, जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके, सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को।